इधर 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 पकड़े इधर बैठ। सबसे बड़ी बात ये है इधर देखो बैठ जाओ दर्जनों ब्रांच कुछ बैठ में खुल गई। सदर पुलिस की कार्रवाई लेकिन दो कार्रवाई होने के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि बाड़मेर की पुलिस बाड़मेर का प्रशासन इस तरह की इकाइयों को बंद करने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएगा। कैमरा पर्सन अशोक के साथ दिलीप सिंह राजपुरोहित। शांत आबो हवा को स्पा की आड़ में वेश्यावृत्ति के माध्यम से खराब किया जा रहा था। पुलिस को क्या शिकायत मिली थी, क्या कार्रवाई की गई? आज दोपहर बाद में पुलिस को शिकायत मिली थी कि उत्तरदायी रोड पे एक सपा सेंटर के नाम से कुछ लोग हैं जो लड़कियों को ला करके और उनसे गलत कार्य करवा रहे हैं और बाड़मेर शहर की जो आबो हवा है उसको खराब कर रहे हैं। जिस पर मैं और CO साहब वहाँ मौके पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि 5 लड़कियाँ और 2 लड़के मिले। हमने एक बोगस ग्राहक बना करके वहाँ पे भेजा तो उस शिकायत सही पाई गई कि वो अनैतिक कार्य कर रहे थे जिस पर उनको हम लेके थाना लाए। सर ये जो लड़कियाँ पकड़ी गई ये कहाँ की और इसके साथ पकड़े गए लोग वो भी यहाँ के या बाहर के? ये लड़कियाँ बाहर की है, आउट ऑफ राजस्थान की है और जो लड़के हैं वो भी बाहर के हैं। उस तरीके से या उसको जब छापा मारा उसमें कोई था नहीं? छापा मारा उसमें कोई ग्राहक नहीं था। हमने पुलिस ने बोगस ग्राहक बना के भेजा था जिससे ये सिद्ध हो गया कि वो ही कार्य कर रहे हैं। सर जो लोग सिटी के लोग हैं जो वहाँ जाते हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जिस तरीके से पहले पहली बार इसकी कार्रवाई हुई उन लोगों को आप क्या हिदायत देना चाहेंगे? उन लोगों से पुलिस की यही अपील है कि भाई इस तरह के काम जो भी हो रहे हैं वो पुलिस को सूचित करें और इन कामों से दूर रहें, कम से कम अपने बाड़मेर की जो शांत आबो हवा है उसको खराब नहीं करें। थैंक यू।